वीरवार को हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य की गारंटी दी। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने शिमला में लोगों को शिक्षा की गारंटी देने का दावा किया था। आम आदमी पार्टी की ओर से जनता को दी जा रही है गारंटी को लेकर राज्य प्रवक्ता गौरव शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पहले शिक्षा और अब स्वास्थ्य की गारंटी से हिमाचल प्रदेश के लोगों में उत्साह है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में केजरीवाल के विकास मॉडल पर तेजी से आगे बढ़ रही है। जो वादे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किए थे वह सरकार बनने के तुरंत बाद पूरे किए जा रहे हैं। निरंतर हिमाचल प्रदेश के मुद्दों से रिलेटेड सजग है और हिमाचल प्रदेश के वासियों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, अन्य जो जो भी जो यहाँ पे सुविधाएं हिमाचल प्रदेश के वासियों को मिलनी चाहिए, आम आदमी पार्टी चाहती है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए उनको किया जाए, बेहतरी के लिए किया जाए। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने शिक्षा की बात की और शिक्षा की व्यवस्था और सारी जो बहुत ही बुरा हालत था, वो दयनीय हालत में स्कूल थे, चाहे टीचरों की कमी थी, किस तरीके से जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे हिमाचल प्रदेश में बात हो रही थी, हमने आपके माध्यम से उजागर किया। और हिमाचल प्रदेश के आगामी चुनावों के मद्देनजर सबसे पहली जो गारंटी आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत मनीष सिसोदिया जी ने शिमला में आकर दी वो शिक्षा से रिलेटेड थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है निशुल्क प्रदान की जाएगी, शिक्षा की क्वालिटी को सुधारा जाएगा और उच्चतम शिक्षा प्रदान की जाएगी और ये 12वीं तक सारी चीज़ें निःशुल्क दी जाएगी और टीचरों के जो खाली पद है वो भरे जाएंगे। और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा ये कि जो टीचर है सिर्फ वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाएगा, ना कि अन्य सरकारों की तरह उसे मिड डे मील में लगा दिया जाएगा, उसे सेंसस की गणना में लगा दिया जाएगा, बाकी अन्य कामों में उसे नहीं लगाया जाएगा, वो यही काम करेगा। उसी दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनाव है, बाकी पार्टियां जो है वो ढगोसले करती हैं, मैनिफेस्टो छापती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो मैनिफेस्ट केवल मात्र चुनावी दिनों में छपता है, छपने के बाद कोई भी सत्तासीन पार्टी होती है उसके बाद वो कूड़ेदान में कहाँ लुप्त हो जाता है, क्या उन्होंने घोषणा की होती है हिमाचल प्रदेश की जनता ना जानती है, ना वो नेता जानते हैं जिन्होंने वो की होती है। उसे निमित्त अरविंद केजरीवाल का सीधा स्पष्ट है कि वो गारंटी के रूप में जो उन्होंने दिल्ली में गारंटियां दी थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो उन्होंने सारी गारंटियां पूरी कर ली है। अब जो वहां काम हो रहे हैं वो उससे ऊपर हो रहे हैं, यानी जिन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था उनको पूरा करने के बाद आगे आए हैं। उसी के निमित्त हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की दृष्टि में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि में हम हिमाचल प्रदेश के अंदर निशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे प्रदेशवासियों को देंगे, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, कोई भी हो, चाहे उसके पास पैसा है चाहे नहीं है, कोई भी व्यक्ति अगर इलाज कराने हिमाचल प्रदेश में किसी भी संस्थान में जाता है उसे निःशुल्क व्यवस्था उसे दी जाए। पहले ऐसे नहीं था, रोड एक्सीडेंट किसी का हिमाचल प्रदेश के अंदर हो जाता है दिल्ली की तर्ज पर, उसे निशुल्क उसका इलाज करवाया जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कौन से राज्य से हिमाचल प्रदेश में आया था, वो कौन सी बाउंड्री से आया था। लेकिन जब वो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बार एंटर हो गया और उसका किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है तो उसका जो इलाज है वो जो है निःशुल्क करवाया जाएगा। इसी के तहत तीसरा दिल्ली की तर्ज पर जो मोहल्ला क्लिनिक है, हर गांव में हर शहर के वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे ताकि जो ग्रामीण लोग हैं जो शहर नहीं आ सकते, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके मोहल्ला क्लिनिक खोल के ताकि उनको वहीं पे जो है निशुल्क उनकी जांच करवाई जाए, उनको दवाइयां प्रदान करवाई जाए। औरों की कमी यहां पे खल रही है जिसकी वजह से हमारे आज हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य संस्थान है वो चरमरा गए हैं। आईजीएमसी के दो डॉक्टर किसी संस्थान में जा रहे हैं, दो डॉक्टर किसी संस्थान में जा रहे हैं और जो 6 मेडिकल केवल मात्र एक श्वेत हाथी के रूप में अन्य सरकारों ने खोल दिए हैं उसमें जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर हैं आईजीएमसी से भेजा जा रहा है, ना आईजीएमसी ठीक चल पा रहा है ना वो बाकी संस्थान ठीक चल पा रहे हैं, इसलिए डॉक्टरों की कमी को भी पूरा किया जाएगा और जितने भी टेस्ट हैं वो निःशुल्क होंगे, जितनी दवाइयाँ वो निःशुल्क होंगी, किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी समस्या हो उसे हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी है निःशुल्क प्रदान करवाएगी। ये वचन जो है अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश के लिए दिया है, जिसको कल ऊना के अंदर मनीष सिसोदिया जो हमारे उप मुख्यमंत्री है और भगवंत मान जी ने स्पेशली अनाउंस किया है। और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए जो है आम आदमी पार्टी सजग है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। आम आदमी पार्टी फ्री की घोषणा के लिए नहीं जानी जाती, आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए जानी जाती है, आम आदमी पार्टी जानी जाती है कुछ नया करने के लिए और जो बाकी अन्य सरकारों ने नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के है प्रदेश के अंदर है, वो दावा करती है कि हम 600 जो दवाइयां हैं निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं, निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 125 जो यूनिट है बिजली के फ्री कर दिए, जो फ्री बीज की बात करती थी वही भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का किराया आधा कर दी, नकल थी। इस पे एक मैनेजमेंट होना चाहिए और आम आदमी पार्टी
जो दिल्ली में करके आई है वो सरप्लस स्टेट है। पंजाब के अंदर आपको जानकर ये खुशी होगी, जो इतने सालों से 60 वर्षों से जो वहां पे अन्य रिवायतें पार्टियां थी जिन्होंने इतना बड़ा लोन पंजाब के अंदर डाल रखा था, उसमें से 32% जो लोन है वो वापस कर चुके हैं। उसके बाद भी जो है 300 बिजली यूनिट की घोषणा की है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान है वो ये है कि आप ये लाओगे कहां से, क्या आपका मैनेजमेंट का पार्ट रहेगा, इन चीजों पर बातचीत होनी चाहिए, इन चीजों पर सारी चर्चा होनी चाहिए। और उन्होंने केंद्र सरकार को जो है ये कहा कि आप इस चीज पर चर्चा करो, लेकिन केंद्र सरकार बेईमान है, वो नहीं चाहती है कि अगर ये सारा जो श्रेय है आम आदमी पार्टी चर्चा में भाग ले और आम आदमी पार्टी चर्चा करे कि किस तरीके से ये बेहतरी हो सकती है, और वो कर लेगी तो उसका भी उनको नुकसान होगा। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि ये जो है पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है, और आम आदमी पार्टी किसी के जेब से किसी को पैसा नहीं देती, एक मैनेजमेंट का पार्ट है। अगर हिमाचल प्रदेश के लोगों को सुविधा, देश के लोगों को सुविधा मिल रही है, तो मैं नहीं समझता इसमें किसी को कोई समस्या होनी चाहिए। और मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं, आपको भी जानकर खुशी होगी, स्वास्थ्य आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ये चीजें हमारे नौनिहालों को, हमारे बुजुर्गों को सारी चीजें निःशुल्क मिल रही है, तो इसमें क्या दिक्कत।